पटना लेकर चल रहे हैं, जहां पर ये वही बाबा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के एयरपोर्ट से रवाना होने के बाद उन्होंने मठ की ओर जाना था, और अब ये वो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर जो लोग हैं, जो जमावड़ा है, जो हुजूम है, सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री को एक बार उनको देख ले, उनकी एक झलक पा ले, वहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। धीरेन्द्र शास्त्री की ये गाड़ी है जिसमें अभी वो उतरेंगे, और ये देखिए उनकी एक तस्वीर लेने के लिए वहाँ पर लोग जो है एकदम खड़े हो गए हैं कि भाई एक बार धीरेन्द्र शास्त्री को देख ले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की जो श्रद्धालुओं की अगर बात करें, उनके समर्थकों की अगर बात करें, तो अधिक संख्या में है। वहीं हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल जी, क्या कुछ इंतजाम है और क्या आज का स्केड्यूल रहने वाला है, कब से कथा जो है वो शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए बाबा बागेश्वर पटना के एक निजी होटल में पहुंच गए हैं और उनका पूरा काफिला पहुंच गया है। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं यहाँ से, और साथ ही साथ जो पूरा हुजूम है, उनके जो पूरे समर्थक हैं, वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही साथ बाहर जो है वो नारे की आवाज भी आ रही होगी, लोग जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं यहाँ पे। और तरफ जो प्रशासनिक अमला है वो भी काफी एक्टिव दिख रहा है, बैरिकेटिंग कर दी गई है, जगह जगह बैरिकेटिंग है। और जो होटल में उनको रुकना है, उस होटल को भी एक तरह से प्रशासन ने अपने कस्टडी में ले रखा है, और सीधे तौर पर होटल जाएंगे, और होटल के बाद तकरीबन 4 से 5 रुकेंगे और यहाँ से कार्यक्रम स्थल की ओर जाएंगे। होटल में बाबा बागेश्वर के स्वागत के लिए बकायदा पूजा की थाली भी सजाई गई है, और वहां पर उनको एक तरह से वेलकम किया जाना है। ये तस्वीरें हैं, और देखिए अभी उतर करके जो बाबा बागेश्वर है वो जा रहे हैं अंदर की ओर, और जो होटल प्रबंधन है वो साथ को देख रहा है कि कहीं कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तरफ से मजिस्ट्रेट भी तैनात है, जो लगातार उनके साथ बने हुए हैं। ये तस्वीरें हैं, काफी भीड़ है, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो होटल के अंदर चले गए हैं, और अब जो है उनके साथ उनकी कोर टीम ही गई है, जो कोर टीम उनके साथ होती है वही गई है, उनके जो लोग आए हुए हैं वही उनके साथ हैं। ये तस्वीरें हैं जो हम पहुंचा रहे हैं आप तक, अभी अंदर चले गए हैं, और प्रशासन ने और एक तरह से कहे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तरह से होटल को अपने जड़ में ले रखे है, और होटल जो है वो बाहरी लोगों के लिए फिलहाल रोक दिया गया है, और जो उनके समर्थक हैं वो बाहर से नारे लगा रहे हैं, बेहद तेज नारे लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है प्रशासन इस बात की भी कोशिश कर रहा है कि जो बाहर के लोग हैं, इधर उधर से आए लोग हैं, वो वहाँ जुटे नहीं, वो वहाँ भीड़ न लगाएं। तो इसको लेकर के जो स्टेट RAF है उसके लोगों को भी वहाँ पर लगाया गया है। स्टेट RAF के लोग भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी ना हो। हर जगह से देखिए लोग इस बात के प्रयास में लगे हैं कि कहीं से बाबा की तस्वीर को कैमरे में कैद करने के लिए उनके लोग जो है तस्वीर में कैमरे में कैद करने के लिए उनके जो लोग हैं वो कैमरे के साथ खड़े हैं। हालांकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अब जो है तमाम लोगों को होटल के प्रीमिसेस से बाहर करने का काम कर रहा है। साथ ही साथ जो है सुरक्षा दृष्टिकोण से जो है ये पहल किया जा रहा है, ये काम किया जा रहा है। बीजेपी के भी कई नेता जो है यहाँ देखने को मिल रहे हैं, बीजेपी के भी कुछ नेता जो है वो यहाँ नजर आ रहे थे। अभी मीडिया का भी बड़ा हुजूम जो है वो होटल बनास जो है पटना में गांधी मैदान वहाँ पर इकट्ठा हो गया है। बाबा के जो तमाम समर्थक हैं वो यहाँ बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, और प्रशासनिक अमला इस बात में जुटा है कि कैसे भी करके जो भीड़ है उसको होटल के कैंपस में बढ़ने नहीं दिया जाए, क्योंकि भीड़ बेहद ज्यादा हो गई है, और इसी प्रयास में लोग हैं कि कैसे यहाँ पर जो है वो एक झलक बाबा की पाले, और उसको देखने के लिए लोग लगातार देखना चाहते हैं। देखिए एक तस्वीर और भी है कि जगह जगह जो है वो मनोज तिवारी है। देखिए मनोज तिवारी बात कर रहे हैं मीडिया से, हम कोशिश करते हैं कि मनोज तिवारी की भी आपको का भी बयान आपको सुनवाएं। मनोज तिवारी आ गए हैं, और देखिए मनोज तिवारी साथ ही साथ आए हैं, मनोज तिवारी एयरपोर्ट पर भी साथ मौजूद थे और अभी भी साथ मौजूद हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के। और देखिए मनोज तिवारी मीडिया से कुछ कह रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, और मनोज तिवारी लगातार कार्यक्रम में बने रहेंगे, ये बताया जा रहा है कि जितने दिन यहाँ रहेंगे बाबा बागेश्वर, कहीं ना कहीं मनोज तिवारी का लगातार आगमन जो है यहाँ बना रहेगा। देखिए अभी तो क्या है ना, एक वो लाइन कहते हैं ना कि
वो कहते हैं सजा दो बिहार को गुलशन सा, अरे हटो नहीं, बागेश्वर धाम आए हैं। बिहार बड़ा स्वागत कर रहा है यहाँ के नौजवान, यहाँ की माताएं बहनें सभी, और यहाँ तक के बिहार का प्रशासन भी बहुत अच्छी व्यवस्था किया है। हम सभी को धन्यवाद देते हैं और पूरे बिहार के लोगों से कहेंगे अगले 5 दिन तक यहीं पे हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आप सब आइए कथा का श्रवण देखिए। भगवान का और भगवान की कथा का विरोध करना ये बिहार की संस्कृति नहीं है, इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का उनका स्वागत करिए और उनके प्रति किसी को भी अपमानजनक बातें नहीं करना चाहिए। ये बिहार का जो स्वागत भाव है उस पे चोट नहीं लगनी चाहिए। मनोज जी, बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जिसको लेकर विरोधी आना बोलते हैं, आपको लगता है कि बाबा जो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात? भाई बात है कि बाबा सब कुछ सारी बातें संवैधानिक दायरे में ही करते हैं, वो उनकी वाणी जितनी मधुर है, जैसी हनुमान जी की कृपा है उनके ऊपर, वैसे ही वो मर्यादित बातें भी करते हैं। और सभी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, वो किसी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाते, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं और वो सबको करने का संवैधानिक अधिकार। अरे भाई, बिहार में आए, मैंने उनका स्वागत किया, गिरिराज सिंह जी बैठे हैं वो भी थे, और तमाम यहाँ दल नहीं है, सभी दलों के लोग हैं। बिहार अपने स्वागत भाव में बागेश्वर धाम सरकार का स्वागत कर, नहीं नहीं आप चलिए देखिए, राजद के भी लोग कथा सुनेंगे, जदयू के भी लोग कथा सुनेंगे, किसी को कोई ये पार्टी से न जोड़े, ये हनुमान जी की कथा है और सत्य सनातन की कथा सबको सुनना चाहिए। तेज प्रताप बाबू को जरूर आना चाहिए, मैं उनको पर्सनली भी फोन करूंगा, तेज प्रताप आएंगे सुनेंगे, और उनको अगर किसी ने मन में कुछ भरा होगा तो ऐसी कोई बात नहीं है, उनको भी अच्छा लगे। तो देखिए दूसरी तरफ गिरिराज सिंह जी पहुंचे हुए हैं, मनोज तिवारी और गिरिराज सिंह दोनों ही यहाँ पर बाबा के साथ पहुंचे हुए थे, और आप देखिए मनोज तिवारी ने बयान दिया और गिरिराज सिंह भी यहाँ पे आगे मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबा के साथ साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी आए हैं और हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे गिरिराज दास से भी। देखिए अली का आशीर्वाद रहेगा। तो ये लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जब धीरेन्द्र शास्त्री जो है जिस होटल में उन्होंने रुकना है